आज के इस वीडियो में बताएंगे एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ आप किस तरह बीसी पॉइंट बन के काम कर सकते हैं फ्री में, और उससे अच्छा खासा मुनाफा आप ले सकते हैं, अच्छा खासा कमीशन आप एयरटेल पेमेंट बैंक की बीसी पॉइंट फ्री में बनकर कमा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे कैसे आप बीसी पॉइंट ले सकते हैं, साथ साथ उसको कैसे यूज करना सिस्टम पे, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन तक पहुँच सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए आपको आना होगा portal.airtelbank.com की वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। ये एयरटेल बीसी पॉइंट लेने के लिए आपको अपने नज़दीकी एयरटेल ऑफिस जाना है और वहाँ से आपको एयरटेल पेमेंट बैंक का बीसी पॉइंट ले लेना है, जो कि बिल्कुल फ्री में आपको दिया जाएगा। इसके लिए कोई चार्ज आपको पे नहीं करना होगा। अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक के ऑफिस से मिनी ब्रांच से लेते हैं, अपने नज़दीकी एयरटेल की ब्रांच जाएंगे मिनी ब्रांच, तो वहाँ पे आप एयरटेल पेमेंट बैंक की बीसी पॉइंट ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। उसके लिए आपको एक अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा। जब बीसी पॉइंट बनाएंगे तो आपको एक मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा, तो वो मोबाइल नंबर यहाँ पे देंगे और वो एक पासवर्ड आपको मिलेगा, वो पासवर्ड देंगे। अगर आपको पासवर्ड नहीं मिला तो यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके आप पासवर्ड बना सकते हैं। तो बीसी पॉइंट आप नज़दीकी एयरटेल ऑफिस से ले सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर अपना यूज मोबाइल नंबर देंगे, यहाँ पे पासवर्ड देंगे, जो आपको बीसी पॉइंट जारी हो जाने के बाद आपको मिलता है वो मोबाइल नंबर पासवर्ड देंगे, लॉगिन करेंगे। जब उस पर लॉगिन करेंगे तो आपको अपने डिवाइस को, जो बायोमेट्रिक डिवाइस है उसको आपको रजिस्टर करना होगा, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे डिवाइस को रजिस्टर करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे ओटीपी भेजा गया, इस ओके करेंगे, जो भी आपके मोबाइल पर ओटीपी मिला है उस ओटीपी को यहाँ पे आपको इंटर कर देना होगा। चलिए यहाँ पे उस ओटीपी को इंटर करते हैं। जो भी ओटीपी आपको मिलेगा उस ओटीपी को यहाँ पे आपको इंटर करना होगा। तो ओटीपी देंगे, ओटीपी देने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद देख सकते हैं डिवाइस एडेड सक्सेसफुली, तो ओके करेंगे, यहाँ पे लॉग आउट हो चुके। फिर से आईडी पासवर्ड देंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह, यहाँ पे ऐड मनी है, वॉलेट में रुपया ऐड कर सकते हैं, और आपके वॉलेट में कितने रुपये ये सारे यहाँ पे आपको दिखेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही वॉलेट होते हैं, जो वॉलेट्स में आप रुपया निकालेंगे या ऐड करेंगे, जो रिचार्ज करेंगे, मनी ट्रांसफ़र करेंगे, सारा चीज़ यहाँ पे एक ही वॉलेट से होता है। यहाँ पे अलग अलग तरह के वॉलेट नहीं है, जैसे प्रीपेड यूटिलिटी APS वॉलेट, जिससे आपको ट्रांसफ़र इस वॉलेट से उस वॉलेट में करने में बहुत सारी परेशानी होती है। तो यहाँ पे आपकी परेशानी को दूर करने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने एक ही वॉलेट को यूज किया है। तो यहाँ से ऐड मनी कर सकते हैं, यहाँ से आप किसी के अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहाँ से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। अगर एयरटेल पेमेंट बैंक का कोई अकाउंट है तो उसका आप यहाँ से कैश विड्रॉ कर सकते हैं, कैश ड्रॉप कर सकते हैं, और यहां से आप एयरटेल पेमेंट बैंक के किसी भी अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। साथ साथ यहां पे APS मिलेगा, जैसे आप APS पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह यहां पे कैश विड्रॉ, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, सेंड टू बैंक, यानी जो भी वॉलेट में आपका रुपया है उस पर इस पर सेंड टू बैंक पर क्लिक करके आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो चलिए होम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ मोबाइल रिचार्ज है, जिस पर आपको 6% तक का कमीशन मिलता है। डिटेल रिचार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक्स बिल है, बिजली बिल है, गैस है, वाटर है। यहाँ पे ओपन अकाउंट, एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट ओपन करने के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको एक अकाउंट ओपन करके भी दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ से कर सकते, और यहाँ से सपोर्ट इलेक्ट्रिक कमीशन देख सकते हैं, और यहाँ से ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, यहाँ पर आप लेगेडर हिस्ट्री, और यहाँ पर ऑफ़र देख सकते हैं अभी कौन सी ऑफ़र चल रही, और यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन वगैरह सारा चीज़ यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा। और साइड में आपको यहाँ बैंकिंग भी मिलेगा, जिस पे बैंकिंग पे क्लिक करने के बाद आपको जो बैंकिंग की सुविधा हो वो आपको सिर्फ एक साथ यहाँ पे बैंकिंग की सुविधा देगी, और यहाँ पे बिल रिचार्ज की सुविधा जो आपको एक साथ यहाँ पे शो करेगी। और यहाँ पे प्रोफाइल पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं, और यहाँ पर बिजनेस रिपोर्ट पर क्लिक करके अपनी बिजनेस की रिपोर्ट परफॉर्मेंस, और यहाँ पर आप किसी तरह की ट्रेनिंग ले सकते हैं, जैसे माई ट्रेनिंग पे क्लिक करेंगे, जैसे ट्रेनिंग आपको कोई चीज़ की चाहिए, जैसे कि आपको अकाउंट ओपनिंग ओपन करना है, अकाउंट ओपनिंग के लिए ट्रेनिंग चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस पर ट्रेनिंग चाहिए, तो यहाँ पे सभी तरह की ट्रेनिंग के लिए आपको एक वीडियोस अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी तरह की, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते कैश विड्रो व्यू पोर्टल, कैश डिपॉजिट है, यहाँ पे क्या करें क्या नहीं करें उसके लिए ट्रेनिंग है, सेंड मनी के लिए कैसे मनी
सेंड करें उसके लिए यहाँ पर ट्रेनिंग है। जैसे कैश विड्रॉ करना है तो उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, तो इस वीडियोज़ पर क्लिक करेंगे जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वीडियो यूट्यूब पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। यूट्यूब से ये वीडियो देख सकते हैं, ये यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये वीडियो अनलिस्टेड है, ठीक है। तो यहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं, यहाँ कॉपीराइट के लिए मैं यहाँ पे वीडियो को प्ले नहीं करूँगा। चलिए आप बैंक जाएंगे, उसके लिए एयरटेल पेमेंट बैंक पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अधिक जानकारी के लिए आप अपनी प्रोफाइल पे इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऊपर आपकी प्रोफाइल की पूरी जानकारी मिल जाएगी, यहाँ से आप चेंज पिन कर सकते हैं। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे आपको पिन मांगेगा, जैसे कि आप ट्रांजैक्शन करते हैं विड्रो वगैरह तो आपको पिन मांगता है, वो पिन चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास पिन नहीं, आप भूल गए तो फॉरगॉट पिन कर सकते हैं। जब लॉगिन करते हैं वहाँ पर जो पासवर्ड मांगता है वो पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक्टिवेट कमीशन और एड बैलेंस, यहाँ पे अपनी रिटेल एड के सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी खुद के सर्टिफिकेट यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। नीचे आएंगे, डाउनलोड करेंगे, प्रिंट करेंगे, मेल पे चाहिए तो मेल आईडी यहाँ पे देंगे, मेल पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हम ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, इस सर्टिफिकेट को यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है, तो इस सर्टिफिकेट को हम प्रिंट करके अपने शॉप पर लगा सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे आज की इस वीडियो में आपने सीखा किस तरह APS यूज करते, किस तरह एयरटेल पेमेंट बैंक को उस सिस्टम पे यूज करते, क्या क्या सर्विस मिलता है और कैसे आप इसको ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।